नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ दिल्ली। यहाँ पे मेरा मेन मकसद आने का था यही कि नया नया बिजनेस आइडिया आपको दें। तो हमारे साथ मैम, आपका अपना नाम बता दिया और आप अपना कंपनी का नाम बताइए। सर मेरा नाम दमन है और मैं ASP इंजीनियरिंग के भी हाफ पे आपसे बात कर रही हूँ आज। okay. नमस्ते। और सबसे पहले ये बताइए कि आज क्या खास होने वाला, कौन सा बिजनेस आइडिया हमारे व्यूअर के लिए देने वाले हैं? सर आज मैं आपको वायर नेल के बिजनेस के बारे में, वायर नेल मशीन के बारे में और कील बनाने की मशीन के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कील बनाने का ये जो रोजगार है किस तरीके से फायदेमंद है हमारे आम लोगों के लिए भी, खास करके गांव देहात में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिर्फ गाँव और देहात की बात नहीं है सर, लोग खाट तो शहरों में भी यूज़ करते हैं और फर्नीचर तो शहरों में भी और ऑफिसेज में भी यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि शटरिंग के काम के लिए, घर बनाने के लिए शटरिंग के लिए भी कीलों का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 2.5 से 3 इंच की कील का बेसिकली जो यूज़ करते हैं 2.5 से 3 इंच, वो शटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। Okay. मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि खास करके पूरे भारत के अंदर हर जगह ये चीज़ मार्केट में डिमांड है और आपको सेल, इसके लिए आपको सोचना नहीं है कि किस तरह से सेल होगा, ये आसानी से मार्केट में सेल हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इससे इनकम कितना कमाया जा सकता है महीने का, या कहे तो प्रतिदिन कितना कमाया जा सकता है? सर प्रतिदिन एक मशीन से हमारा 600 से 700 किलो कम से कम प्रोडक्शन निकलना ही निकलना है। एक मशीन कम से कम 600 से 700 किलो का कील निकालती है। okay. और हर कील, हर एक किलो के पीछे हमें 6 से 7 रुपए का बेनिफिट है। हिसाब से प्रतिदिन की कमाई 6 से 7 हज़ार रुपए एक दिन का, कस्टमर कोई भी हो 6 से 7 हज़ार कम से कम कमाएगा ही कमाएगा। क्या बात है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर एक दिन की इनकम की बात की जाए तो लगभग 6 से 7 हज़ार, ये मिनिमम इनकम आपकी बताई जा रही है कि 6 से 7 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। तो सर ऐसे में हम जानेंगे कि अगर इसमें पूंजी कितना लगेगा, वो चीज़ जानेंगे मैम से। अगर बात कीजिए पूंजी की कि मिनिमम कितने स्टार्टिंग किया जा सकता है इस बिजनेस को, अगर कोई घर बैठे करना चाहते हैं तो? सर मिनिमम अगर किसी को पूंजी चाहिए, हमारा जो मॉडल नंबर 1 आता है, नंबर 1 मॉडल ही आपको 2.25 लाख से मिल जाएगा। ओके। जिसमें 3 मशीन्स दी जाती हैं, पॉलिशर, ग्राइंडर और मेन कटिंग मशीन, जो कि 2.25 लाख के आसपास हमारे यहाँ से मिल सकता है। ओके। प्लस आप कितना रॉ मटेरियल लेना चाहते हो ये आपकी जेब पे डिपेंड करता है सबसे पहली बात। तो जिस तरह का आपका बजट है उस हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा क्या? ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरुआत ज़्यादा से ही करनी है, थोड़ी से भी शुरुआत की जा सकती है। अगर किसी को मशीन बिठानी है, मशीन बिठाने के बाद उसकी डिमांड कितनी है उसकी मार्केट में उस कील की, उसी हिसाब से वो रॉ मटेरियल ले सकते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार रिकमेंड करूँगा कि यहाँ आइए, आप विजिट कीजिए और 2-2.5 लाख से मात्र स्टार्टिंग है इस मशीन की। इस मशीन से आप, खास करके इस मशीन से जो प्रोडक्शन होता है कील की बात की जाए, ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर बात की जाए कि इस स्पेस वगैरह की कितना, देखिए 3 मशीनों का जो सेटअप करना है 10x20 का, अगर हमारे पास एक कमरा है तो हम उससे, उसके अंदर भी ये काम शुरुआत कर सकते हैं। मेन मशीन का इसको ज़रूरत होती है एक जगह की, और पॉलिशर की मेन ज़रूरत है। ग्राइंडर बहुत छोटा सा होता है, कहीं भी साइड पे स्पेस वो ले लेता है। okay. इतनी ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, 10x20 का रूम भी इनफ रहता है, सफिशेंट है। और रॉ मटेरियल की बात होती है मैम कि मशीन तो कई लोग दे देते हैं लेकिन रॉ मटेरियल सही से नहीं दे पाते, इसमें शिकायत हो जाता है। बिल्कुल सर, मशीन तो आप हर जगह से कहीं से भी, चाहे आप मुझसे लें या कहीं से भी लें, मशीन तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। बात तो मेन रॉ मटेरियल की है, जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो मशीन को सजा के आरती तो नहीं देंगे हम रोज उसे। क्या बात है। जी तो इसीलिए रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में बैठे हो आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, हमारे यहाँ से जितना रॉ मटेरियल चाहिए आपको मिल सकता है। मतलब ये चीज़ की कमी नहीं होने वाली है? नहीं, रॉ मटेरियल के लिए कोई इशू नहीं है सर। जी अगर बात की जाए बिजली वगैरह से चलती है या फिर मैनुअल, इस तरह से थोड़ा सा हमारे व्यूअर को समझाइए। बिल्कुल सर, ये मशीन 3 फेज की है। अगर हम बात की जाए, जो भी हम मशीन आपको देंगे वो 3 फेज की होती है। okay. कस्टमर्स का कहना होता है, कई बार ये भी इशू आता है कि उनके पास 3 फेज की बिजली नहीं है। okay. गाँव देहात में आसानी से उनको 3 फेज की बिजली नहीं मिलती है, ये कारण से मशीन को छोड़ना सही नहीं है। क्योंकि हम 3 फेज अगर नहीं है किसी के पास, अगर किसी को नहीं दी जा रही है 3 फेज गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम लोग सिंगल फेज पे भी ये मशीन दे के उनको रेडी कर सकते हैं। बस मोटर का चेंज किया जाता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, मशीन वही रहती है। तो बिजली से ही चलने वाली है सर, इसमें मैनुअली कोई काम नहीं है, ये सारा काम से कनेक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला, कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास 3 फेज का कनेक्शन है
तो थ्री फेज से काम शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के पास सिंगल फेज का कनेक्शन है तो सिंगल फेज से काम शुरू किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो समझ सकते हैं कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, और इसके लिए भी जगह की बात की जाए तो वो भी छोटा सा जगह में कमरे में आप इसका शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस को, और बिजली के लिए अलग से आपको व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आप घर बैठकर भी इसे आसानी से कर सकते हैं। मार्केटिंग वगैरह में जहाँ तक की बात है तो इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती मार्केटिंग करने में, बहुत ही आसानी से मार्केट में कि निकल जाएगा। तो मैम, अगर कोई घर बैठे मंगवाना चाहते हैं या फिर विजिट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे, वो चीज़ हमारे व्यूअर को थोड़ा सा समझाइए जी। सर, अगर कोई हमारे दिल्ली से है, अगर कोई हमारे अपने एरिया के आसपास है, तो हमारे ऑफिस में आके वो विजिट भी कर सकते हैं। कोई मशीन देखना चाहते हैं तो भी वो आ सकते हैं। अगर कोई बहुत दूर बैठ के भी हमारे यहाँ से मशीन ऑर्डर करना चाहें, वो भी पॉसिबिलिटी है। हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ से मशीन्स दिखा सकते हैं, प्लस अगर किसी को ऑर्डर करना है तो वो कुछ पेमेंट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा यहाँ पे है क्या? सर, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इस तरीके से रहेगी, जैसे कोई कस्टमर हमसे माल मंगवाता है और हम लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजते हैं, फाइनल पेमेंट वो तब भी कर सकते हैं, फुल एंड फाइनल पेमेंट तब कर सकते हैं जब मशीन उनकी ट्रांसपोर्ट पे पहुंचती है। लगभग 60-70% पेमेंट हमारे पे हो सकता है, 30% पेमेंट वो तब भी कर सकते हैं जब माल उनके ही स्टेट में उनके ट्रांसपोर्ट पे पहुंच गया, माल चेक करके वो फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसको कैश ऑन डिलीवरी ही कहा जा सकता है, जब डिलीवरी हो रही है तभी वो पेमेंट कर रहे हैं उसका फाइनल पेमेंट। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि अगर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो ये चीज़ भी सुविधा अवेलेबल है जी। अगर चाहते हैं आप विजिट करना तो वो चीज़ भी यहाँ पे सुविधा अवेलेबल है, आपकी जैसी इच्छा जिस तरह से करना चाहते हैं वो चीज़ आकर यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।